नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि इस वक्त रेलवे ग्रुप डी की शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं और थोड़े से प्रश्नों का लेवल उन्होंने बढ़ा भी दिया। तो वैसे ही मैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं जिन बच्चों का भी है, उनसे मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए फायदेमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन लाते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। उस डिस्काउंट के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एडवांस मैंने आपको रखा ताकि ये चीजें आप सीख जाओ और अगर प्रश्न आता है तो कर पाओ। एक दुकानदार चार आइटम की प्रत्येक खरीद पर एक आइटम मुफ्त देता है। कहने का मतलब दुकानदार अपने पास से देता है पांच वस्तुएं, लेकिन उसको पैसा कितनी वस्तुओं का मिलता होगा? चार, क्योंकि एक चीज फ्री में दिया तो पांच वस्तुओं पर उसको पैसा मिला है चार का। आगे बढ़ता हूं, कह रहा है और 25% की छूट भी देता है, इसके बाद भी 25% का वो डिस्काउंट देता है। 25% डिस्काउंट का मतलब चार की चीज को एक कम करके तीन में बेच देता है। अब बस आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। चार से चार को खत्म, यानी कि पांच से तीन टोटल डिस्काउंट हुआ, पांच से तीन यानी कितना कम हुआ, दो, दो कम हुआ है पांच पर, और दो बटे पांच का मतलब उसने ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया है भाई, मिलने वाली जो अंतिम छूट होगी वो कितने परसेंट की होगी, 40% की, दो बटे पांच का मतलब 40। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था और सबसे सरल तरीके से आपके सामने मैंने उपस्थित किया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में 40% लड़कियां हैं। तो अगर 50 विद्यार्थियों का 40% लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या हो गई है 20, और अगर लड़कों की संख्या यहां पर बात करें तो बचा हुआ 30, ठीक, यानी अगर अनुपात देखा जाए तो दोनों के लिए अनुपात होगा 2 और 3 का, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों के औसत अंक 62 है। मैं लड़कों के औसत अंक की बात करता हूं तो लड़कों के औसत जो अंक है वो है 62 और पूरी क्लास के जो औसत अंक है वो है 64.4। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों के औसत अंक क्या होंगे। देखिए यहां पर आपको साफ साफ समझ में आ गया कि एलिगेशन का नियम हमको यूज करना पड़ेगा, मिश्रण का एलिगेशन का नियम यूज करना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एलिगेशन में भी जो अनुपात हमें शुरुआत में मिलता है वही अनुपात आखिरी में हमेशा आता है, यानी आखिरी में जब हम सॉल्व करेंगे ना तो भी अनुपात हमें 2 और 3 का ही मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं 64.4 में से 62 घटा लेता हूं तो यहां 2.4 आएगा, यानी ये जो 2 का अनुपात है वो किसके बराबर है, 2.4 के। तो एक किसके बराबर होगा, 1.2 के, इसलिए 3 का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3.6 के। ये बात आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन को अभी पेपर देने का समय है तो मन में फास्ट करना जरूरी होता है। अब देखिए क्या है कि 64.4 में अगर मैं जैसे ही 3.6 जोड़ूंगा तो हमारे पास जो लड़कियों का औसत पूछ रहा था वो आ जाएगा 64 और 3 67, और इसको जोड़ेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा कि लड़कियों के जो औसत अंक होंगे वो कितने होंगे, 68। सवाल खत्म, पैसा हजम, बेहतरीन सवाल औसत से भी। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपसे सवाल में पूछा है कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 1000 को अगर एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जब कभी आप शून्यों की संख्या निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या दी होती है उसको 5 से विभाजित करना है। कब तक करना है ये मैं आप समझता हूं, 5 से पहले विभाजित करिए तो कितना मिलेगा, 200। ये आपको विभाजन तब तक करना है जब तक यहां आने वाली संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। अब फिर आप 200 को इस 5 से ही विभाजित करिए तो यहां मिलेगा आपके पास 40, अभी भी 40 बड़ा है। 40 को फिर मैं 5 से विभाजित करता हूं, 5 8 40 8 आया, अभी भी 5 से बड़ा है। मैंने 5 से फिर विभाजित किया, एक ही बार जाएगा 3 आ जाएगा, अब ये छोटा हो गया 5 से, अब विभाजन नहीं करना है, रुक जाना है। सबको उठा के जोड़ दीजिए तो 240 48 249, यानी कि अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी अगर मैं सभी का गुणा करता हूं, 249, 249 होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलते हैं, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है। मैंने कहा दो संख्याएं मैंने मान ली ए और बी, अब अगर महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्या हो जाएंगी 12a और 12b। हमारे पास दोनों संख्याएं बन गई 12a और 12b, इन दोनों संख्याओं का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो अपने पास आएगा 12ab, और सवाल के हिसाब से दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 168 है। तो एक बात कंफर्म होकर हमें पता चल गई कि ab जो आएगा 12 एकम 12 12 चौको 48 14 आएगा। अब हमें सवाल को आगे पढ़ना होगा कुछ इस ढंग से कि चीजें बेहतर समझ में आ जाए।
यदि संख्याओं के बीच का अंतर 60 दिया हो, यानी कि ये जो संख्याएं है ना 12a कॉमन कर लेंगे तो इनके बीच का जो अंतर 60 है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि a माइनस बी जो होगा वो अपने पास 5 के अंतर में संख्याएं मिलनी चाहिए, a और b का अंतर 5 होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आप 14 को ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 5 बन जाए, तो या तो 1 × 14, लेकिन सर अंतर 5 नहीं बन रहा है मतलब इसको नहीं लेंगे। मैं आगे बोलता हूं 2 × 7 ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये संख्याएं आपस में को प्राइम भी हैं, सह अभाज्य भी हैं भैया समझिएगा, और इनका अंतर भी 5 है, इनका अंतर भी क्या है 5 है, यानी हमें अनुपात जो लेना होगा संख्याओं के लिए ए और बी का वो 2 और 7 का लेना होगा। तो अब संख्या देखिए क्या क्या बनेगी, अगर मैं 12a में 2 का गुणा करूंगा तो पहली संख्या अपने पास मिलेगी 24, और अगर मैं इसमें 7 से गुणा करूंगा तो अपने पास संख्या मिलेगी 84। अब देखिए जरा इनका अंतर जो है ना वो 60 है, आपके सामने दिख रहा है, कह रहा था इन्हीं का योग ज्ञात करना है, 84 + 24 यानी कि 108, तो जो संख्याओं का योग पूछा है ना भाई साहब वो 108 आएगा। और एक बेहतरीन सवाल था ये भी, अगले सवाल की तरफ हम लोग रुझान कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने आपका अगला सवाल आ गया, टाइम एंड वर्क जो कि मोस्ट फेवरेबल है टॉपिक, इस वक्त पूछे जाने की पूरी संभावना है और कई शिफ्टों में इसके बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न पूछे भी गए। अगला सवाल देखिए, कहता है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकता, मतलब या तो 18 आदमी काम करे या 36 लड़के काम करे, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 18 आदमी जो है, थोड़ा सा पतला हो गया, मैं ये कह सकता हूं ना कि 18 आदमी जो है वो 36 लड़कों के बराबर में काम कर लेते हैं, तो आदमी बटे अगर लड़का करते हैं तो इनकी क्षमताओं के अनुपात 2 और 1 आएंगे, यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा और एक लड़का एक दिन में 1 काम करेगा, राइट। अब मैं टोटल काम निकालता हूं, सबसे पहले अपना काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालने का। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, मैं ए आदमी को लेकर चलता हूं, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 18 आदमी कितना काम करेंगे, 18 × 36, ये डेली कितने देर काम करते हैं, 6 घंटे, तो 6 से गुणा और, किससे गुणा और, 6 से और गुणा, उसके बाद इन्होंने कितने दिन तक काम किया था, बोले सर 24 दिन तक, 24 से गुणा और, ये है अपने पास कुल काम, क्या है ये, टोटल वर्क। अच्छा अब इस काम को करने के लिए आता कौन कौन है, तो देखिए 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर इस काम को करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसी काम को 24 आदमी से कराऊंगा तो एक आदमी तो एक दिन में 2 काम करता है तो 2 से गुणा, और अगर 24 लड़के भी साथ में हो तो एक लड़का एक दिन में एक ही काम करता है तो 24 × 1 हो गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं ये लोग, कितने घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, अब आपसे पूछ ये रहा है भाई साहब कितने दिन में काम करेंगे, डिवाइड करना है बस, देखो ध्यान से, 24 × 48 और 24 72 हो गया, 72 × 9, ऊपर देखिएगा सर ऊपर ये लिखा है 18 × 2 और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 लिख सकता हूं, और बाकी आगे का 24 एज इट इज बना रहे। बोले सर ऐसे क्यों लिखा है, देखना मेरी बात को ध्यान से समझना, नीचे मुझे इन दोनों को जोड़कर क्या मिला था 72, मैं ऊपर 72 बना रहा हूं, 18 × 36 × 72 खत्म हो जाएगा, अब यहां पर बचेगा सिर्फ 9, ये वाला 3 × 3 = 9 और 3 से काट लेंगे 8 बार, यानी 8 दिन में पूरा काम वो लोग खत्म कर लेंगे, तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इस प्रश्न को। वेरी नाइस क्वेश्चन, अप्रतिम क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, अगले सवाल पर आते हैं, वाजी वाह, त्रिकोणमिति ने तो इस बार कहर ढा के रखा है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, कहता है इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपसे बोलता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बोले हाँ सर 1 होता है, ये 1 हो गया। अब मैं बात करता हूं सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा पे, मैं यहां पर लिख देता हूं इस पर, इन दोनों को मैं आपको दिखाता हूं, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसकी बात करता हूं, आप आइडेंटिटी क्या पढ़े हो, सर्व समीका क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 + tan² θ आएगा, और पहले से ही टेन स्क्वायर थीटा यहां पे ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 tan² θ, मैं लिख सकता हूं ना इन दोनों की जगह, मैं ये लिख सकता हूं 1 + 2 tan² θ, तो भाई लिख दो किसकी किसकी जगह, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये 1 पहले आ गया, इन दोनों की जगह मैंने लिख लिया 1 + 2 tan² θ, ठीक। अब जरा बात देखते हैं कॉट और कोसेक पर, तो ये अपने पास लिखा था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
तो यहां से अगर मैं कोसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगी, और कॉट मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो उस दोनों की जगह इन दोनों की, इसकी और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए यस और नो। अब देखो अपने पास क्या क्या आ गया, एक एक दो और दो और एक तीन तो पहले ही से आ गए, इन दोनों में से मैंने दो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, अगर फार्मूला आपको याद होगा, और नहीं याद है तो याद कर लो, क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम मान होता है, वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, टू रूट ऑफ ए बी, क्या होता है, टू रूट ऑफ ए बी। अब ए और बी तो इसके वन ही वन है, ये भी वन है, इसका गुणांक और इसका भी गुणांक वन है कि नहीं। तो आगे आ गया तीन, यहां आ गया दो, और अगर मैं इसको देखूंगा तो टू रूट के अंदर एक गुणे एक, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना है, सबके बस की बात नहीं है। दो दूनी चार प्लस तीन सात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कठिन वाले जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं। सात आंसर सही जवाब। नेक्स्ट आइए, एक वितरण का माध्य ये दिया है, मानक विचलन ये है, इसका विचरण गुणांक क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ जो वेरिएंस होता है, विचरण गुणांक की अगर बात करें तो आप ऊपर क्या लिखते हो, आप ऊपर लिखते हो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे लिखते हो मीन यानी कि माध्य, ये फॉर्मूला होता है, और गुणे सौ। तो मानक विचलन क्या है भाई साहब, इसका चार, माध्य क्या है बीस, और गुणे में सौ आ जाएगा, तो बीस पंचे सौ, और पांच गुणे चार यानी कि 20% आएगा, कितना आएगा 20% जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया। अच्छा अब एक चीज मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, मेरा पेड बैच आ चुका है भाई, जितने भी बच्चे पेड बैच के लिए इंटरेस्टेड है, पेड बैच है, और इस पेड बैच में भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा रखा है, लगभग लगभग मैं आपको 140 घंटे के आसपास या उससे ज्यादा भी आप पढ़ाऊंगा, और सारी चीजें इसमें मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि किस तरह से जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, उसके बाद पूरी अर्थमेटिक, पूरी अरिथमेटिक, पूरी एडवांस मैथ, पूरी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, भैया धमाका है एक तरीके से, ये सारी सब कुछ प्लस डीआई भी, ये सारा सब कुछ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए में दे रहा हूं, और ये ऑफर के तहत है। हाँ, इसमें आप अगर एक कूपन कोड अनुराग 786 अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिलेगा, ठीक। आपको ये बैच परचेज कैसे करना है उसके लिए हमारा सपोर्ट नंबर है 9369880746, ये है हमारा सपोर्ट नंबर, इस पे आप कॉल करिए, आपको ये बताया जाएगा कि इसको आपको कैसे खरीदना है, उसमें सारे फीचर्स आपको ये बताए जाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आपके पास हैं। अच्छा एक चीज इसी के साथ मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि मैं इसी तरीके के जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने लगातार लाते रहूंगा। आप लोग प्यार और इसने बनाए रखिए, दबा के लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक।